हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स ऑफ विक्टोरियन एज, क्रिस्टिना रोसेटी के बारे में। क्रिस्टिना रोसेटी का बर्थ हुआ था 5 दिसंबर 1830 में लंदन में, और इनकी डेथ 29 दिसंबर 1894 टॉरिंगटन स्क्वायर में हुई थी। क्रिस्टिना रोसेटी एक इंग्लिश राइटर हैं रोमांटिक डिवोशनल चिल्ड्रंस पोएम की। इनके फेमस वर्क्स में आते हैं गॉब्लिन मार्केट, रिमेंबर जैसे वर्क्स। अब कुछ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझते हैं इनकी डिटेल्ड बायोग्राफी। क्रिस्टिना रोसेटी वॉज बॉर्न ऑन December 5, 1830 इन लंदन। क्रिस्टिना रोसेटी का जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1830 लंदन में। हर फादर वॉज द पोएट गैब्रियल रोसेटी। इनके फादर भी एक पोएट थे जिनका नेम था गैब्रियल रोसेटी। हर ब्रदर डेंटे गैब्रियल रोसेटी ऑल्सो बिकेम अ पोएट एंड अ पेंटर। इनके ब्रदर डेंटे गैब्रियल रोसेटी वो भी एक पोएट और एक पेंटर बने। रोसेटीज फर्स्ट पोएम्स वर रिटन इन 1842 एंड प्रिंटेड इन हर ग्रैंड फादर्स प्राइवेट प्रेस। इनकी पहली पोएम्स जो है वो लिखी गई 1842 में और उनके ग्रैंडफादर के ही प्राइवेट प्रेस में प्रिंट हुई। इन 1850 अंडर द सूडोनेम एलेन एलिन शी कंट्रीब्यूटेड 7 पोएम्स टू द प्री रेफेलाइट जर्नल्स, द जर्म विच हैड बीन फाउंडेड बाय हर ब्रदर विलियम माइकल एंड हिज ब्रदर फ्रेंड्स। 1850 में एक सूडोनेम यानी कि एक फेक नेम से एलेन एलिने के नेम से उन्होंने 7 पोएम्स जो है प्री रेफेलाइट जर्नल में कंट्रीब्यूट की, और उसका नेम था द जर्म, और उसको फाउंड किया गया था इनके ब्रदर विलियम माइकल ने और उनके फ्रेंड्स ने, यानी विलियम माइकल के फ्रेंड्स ने। इन 1862 हर फर्स्ट कलेक्शन गॉब्लिन मार्केट एंड अदर पोएम्स विद टू डिज़ाइन बाई डीजी रोसेटी वॉज पब्लिश्ड अंडर हर ओन नेम। 1862 में इनका फर्स्ट कलेक्शन गॉब्लिन मार्केट और अदर पोएम्स का आया जो कि डीजी रोसेटी ने डिज़ाइन किया था, और ये वर्क इनके खुद के नेम से पब्लिश हुआ था। द प्रिंस प्रोग्रेस सिंग सॉन्ग एक नर्सरी राइम बुक थी 1872 की। अ कलेक्टेड पोएम वॉज इश्यूड इन 1875, और एक कलेक्टेड पोएम जो है 1875 में इशू की गई। ऑल ऑफ दीज वॉल्यूम हैड अमेरिकन एडिशन एंड हर रेपुटेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स बिगेन टू ग्रो। और इन्हीं सारी वॉल्यूम्स की जो है अमेरिकन एडिशंस भी थी, और इनकी रेपुटेशन यूनाइटेड स्टेट्स में भी ग्रो होना शुरू हो गई। शी बिगेन हर ओन कैरियर यंग, उन्होंने अपना कैरियर काफ़ी यंग एज से शुरू किया। She wrote Remember when she was only 19. इन्होंने Remember एक पोएम है वो लिखी जब वो सिर्फ 19 ईयर्स की थी। Rossetti, unlike many poets, was popular and well known in her lifetime. Rossetti भी बहुत फेमस थी अपने ही लाइफ टाइम में, अलग दूसरे पोएट्स की तरह। She was also noted a feminist figure. इनको एक फेमिनिस्ट फिगर की तरह भी जाना जाता था। And many of her poems deal with the complexities of women's life in a restrictive society. और इनकी बहुत सारी poems जो है इन सब पे भी based थी कि जो complexities, जो difficulties women life में थी किसी भी restrictive society, उस time के restrictive society में, उन सब पे भी काफ़ी पोएम्स इनकी थी, works काफ़ी थे इनके। Rossetti was influenced by एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एनदर पॉपुलर फीमेल पोएट। Rossetti जो थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से, और एलिजाबेथ बैरेट भी एक काफ़ी पॉपुलर फीमेल पोएट थी। Rossetti's reputation as a brilliant lyrical poet has never tarnished and she is still much studied today. Rossetti की reputation एक brilliant lyrical poet की तरह जो थी वो कभी भी डल नहीं हुई, और वो आज तक वो पढ़ी जा रही हैं बहुत ज़्यादा। ऑन December 29, 1894 शी डाइड इन ग्रेट पेन ऑफ कैंसर। December 29, 1894 में उनकी डेथ हो गई इन द पेन ऑफ कैंसर।
Her most famous works are The Princess Progress 1866, Maude 1850, A Pageant 1881, The Face of the Deep 1882. Her first poem published was Death's Chill Between. And that's all about Christina Rossetti. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू सब्जेक्ट लर्नर्स.